नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला और आज मैं आपके सामने आया हूँ बहुत ही ज़रूरी बात करने के लिए। कोरोना वायरस कोविड-19 डिजीज़ जो एक वैश्विक महामारी बन चुकी है और ये बहुत ही ज़्यादा चिंता की विषय है। चिंता की विषय इससे भी ज़्यादा ये बात है कि हम आप समाज के वो लोग जो कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, कल के लिए अफसर बनने जा रहे हैं, वो लापरवाही कर रहे हैं। लापरवाही इस लेवल की, मैं छोटा सा इंस्टेंस लेता हूँ, आप लोग लखनऊ में, अलाहाबाद में, दिल्ली में या देश के किसी भी जगह पे जहाँ पे आप अपनी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे थे, आप वहाँ से हट के अपने गांव में चले गए हो। और ये तो एक दूसरी बात है कि चले गए हो, सबसे बड़ी बात है कि वहां पे जाके जो लापरवाहियां आप कर रहे हो वो बहुत ही गलत है। मैं खुद नोटिस किया हूं, जो मुझे इस बात के लिए बहुत ही चिंतित कर दिया और इसको लेके मैं आपके सामने आया हूं कि आप यहां से जाके अपने घर में, अपने गांव में जो साथ के बच्चे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप वहां पे छुट्टी मनाने गए हो। ये बहुत ही गलत है। आप दुकानों पे, आप शॉप्स पे झुंड बना के वहां पे हंसी मजाक कर रहे हो, सोशल मीडिया पे मीमे शेयर कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, ये सब बहुत गलत है। दोस्तों, ये समय मजाक करने का नहीं है, ये समय आपको, हमें और सबको अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य समझने का है। अगर मैं छोटा सा इंस्टेंस लूं, मैं थोड़ा सा आपको डेटा दिखाता हूं कि क्या चल रहा है विश्व में, फिर मैं आपको पूरी बात करता हूं। सबसे पहले आते हैं, अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास WHO की वेबसाइट खुली हुई है और WHO की वेबसाइट ये कह रहा है कि पूरे विश्व में जो केसेस हैं, अगर हम चाइना की बात करें तो 81,603 केसेस आ गए हैं। चाइना की बात करें तो हम उसका ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ एक दिन में कितना बढ़ रहा है, शुरू में कितना तेजी से चाइना बढ़ा है। अभी हालांकि चाइना बहुत हद तक कंट्रोल है, इसका अगर कम्युलेटिव ग्राफ देखें तो ये देखिए शुरू में बहुत ज्यादा बढ़ा है और उसके बाद फिर अभी स्लो है। लेकिन अगर हम इसके साथ ही किसी दूसरे कंट्री की बात करें, जैसे इटली, जो इस समय बहुत ही ज्यादा नाजुक स्थिति में है, अगर उसके ग्राफ की बात करें तो ये है उसका ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। थोड़ा सा भी अगर आप मैथ पढ़े होंगे तो ये ग्राफ जानते हैं कि कितना खतरनाक होता है, चीजें कितनी रफ्तार से बढ़ रही हैं यहाँ पे और एकदम अभी भी अंत होने का नाम नहीं ले रही हैं। अगर हम इसके केस बाय रिपोर्ट का देखें तो कल की तारीख में यानी 23 तारीख को भी 5.6 हजार लोग, 5600 लोग नए केसेस आए हैं। अगर हम दूसरे देशों की बात करें, इटली के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो भी तीसरे नंबर पे है, जहां पे सबसे ज्यादा केसेस हैं, वहां पे अगर हम देखें कि एक दिन में कितना बढ़ रहे हैं, तो अभी कल की तारीख में 23 तारीख में 16,400 नए केसेस आए हैं और अगर कम्युलेटिव ग्राफ की बात करें तो एकदम स्टीप कर्व है, एकदम खड़ा एक्सपोनेंशियल कर्व। जब स्पीड जाता है, स्टीप जाता है, तो बहुत ही खतरनाक होता है। कुछ और देशों की बात कर लें, स्पेन की बात करें, स्पेन में भी सेम कर्व है, इसे मैं बड़ा करके आपको दिखाता हूं, सेम कर्व स्पेन का है। दूसरे कंट्री का बात करें, जर्मनी का, तो सेम कर्व जर्मनी का भी है। और नहीं, हम अपने अगर भारत की बात करें तो इंडिया की बात करें, बहुत सारे देश हैं यहाँ पे, इंडिया की पोजीशन ये दिखा रहा है, चिली, सिंगापुर, बहरेन, इजिप्ट, देखते हैं कि इंडिया कितने नीचे पे है। एक बार देखते हैं, मैं पूरा ग्राफ आपको दिखाता हूँ हर कंट्री का, अभी इंडिया इसमें दिख नहीं रहा है, चिली, सऊदी, कतर, रसिया, इंडिया, ये देखिए 434 केसेस अभी तक हो चुके हैं इंडिया के। और अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो इसका भी कर्व ऑलमोस्ट सेम है। अगर इस स्थिति में कोई कंट्री है जिसका ग्राफ सुधार किया है तो वो चाइना है। केसेस क्या हैं, उनके पास मेडिसिन आ गए हैं या क्या केस है, वो छुपा रहे हैं डेटा को, वो एक डिफरेंट पॉइंट है। लेकिन जो ग्राफ बता रहा है, अगर हम पूरे विश्व का ग्राफ देखें तो ऑन एवरेज सभी का ग्राफ यही एक्सपोनेंशियल और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये बात इस बात का सबूत है कि ये जो विषय है बहुत ही चिंतनीय है और ये मजाक में हम एकदम नहीं ले सकते। कल को जब एकदम ये स्टेज 3 में आ जाएगा तब हमारे पास कुछ नहीं होगा सिवाय हम बर्बादी का इंतजार करने के। हमें देखेंगे सब कुछ बर्बाद हो रहा है, इंतजार करेंगे कैसे क्या हो, क्योंकि आप सभी जानते हो जब इटली, जो विश्व की दूसरे नंबर की मेडिकेशन सर्विस थी वहां की, वो नहीं कंट्रोल कर पाई तो हम भारत कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। और अगर ऐसी सिचुएशन आई तो उसके जिम्मेदार कोई और नहीं,
हम होंगे और आप होंगे, तो अभी समय है आप संभल जाइए। मैं ये पॉइंट क्यों लेके आया हूं, क्यों बार बार कह रहा हूं, क्योंकि मैं देखा हूं जो बच्चे हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं जो विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, वो किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये मजाक का विषय बना हुआ है। कोरोना वायरस पे कॉमेडी वीडियो शेयर कर रहे हैं, टिकटॉक पे वीडियो शेयर कर रहे हैं, गांव में समाज में झुंड बना के रह रहे हैं, और अगर कोई दूसरा रोकता है तो उनका मजाक बना रहे हैं। ये सबसे ज्यादा चिंतनीय विषय है। कल को आप एक ऑफिसर बनेंगे, पीसीएस अधिकारी बनेंगे, अधीनस्थ सेवा में बनेंगे, या केंद्र या राज्य लेवल किसी भी राज्य से हो, किसी पूरे केंद्र लेवल पे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कल को आप जाके ऑफिसर बनेंगे, तब आप पे जिम्मेदारियां होंगी। तो क्या कल आपका कोई ऑफिशियल आपको कुछ बोलेगा तो आप उसकी बात मजाक में टाल दोगे? नहीं टालोगे ना। तो फिर ये विषय इतना चिंतनीय है, क्यों आप इसे मजाक में ले रहे हो? यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी है कि आप सबको, खुद को रोको, सबको बोलो, क्योंकि आप समाज में पढ़े लिखे हो, माँ बाप आपके शिक्षा के प्रति पैसे खर्च कर रहे हैं ताकि आप शिक्षा ग्रहण करो, आप अफसर बनो और कल को समाज में हीरो बनो। तो ये एक ऐसा समय है जब आपको बिना नौकरी लिए भी हीरो बनने का मौका है। ये आप कर्तव्य है आपका, ड्यूटी है आपका, इसे भागिए मत, इसे मजाक में लीजिए। मैं आपसे विनती कर रहा हूं इस बात का, और इस विनती को मैं चाह रहा हूं कि आप लोग सभी से बोले, सभी से विनती करें, आप अपनी जिम्मेदारी समझें, इसे मजाक में एकदम मत लें। एक को नहीं, दो को नहीं, तीन को नहीं, जितना हो सकता है उतने लोगों को आप बताइए कि ये कितना भयावह स्थिति है, और स्टेज थ्री में आने के बाद ये कितनी भयावह होगी। चाइना का केस आप देख चुके हो, इटली का केस देख चुके हो, स्पेन का केस देख चुके हो, भारत अभी भी स्थिति में है, और यहाँ पे केवल गांव और देश की बात नहीं है, यहाँ पे जब विश्व संभल के रहेगा तब हम सुधरेंगे। और अगर यहाँ पे बचाना है तो इसका जो क्योर है वो हमसे ही है। तो आप एकदम मजाक में मत लो, इन चीजों को बहुत ही ज्यादा लो। और मैं यहाँ पे केवल आपसे विनती करने आया हूं इस बात के लिए कि सबसे बताओ, जितने आपके साथी गण हैं, जितने आपके तैयारी करने वाले हैं, या स्कूल में है या कॉलेज में है, आपके घर में है, आपके पेरेंट्स हैं, क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, गाँव में है, दूर दूरस्थ जगह पे है, जो लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे, जो न्यूज चैनल से नहीं जुड़े हैं, जो अखबार पढ़ना नहीं आता, उन वो बेचारे मासूम हैं, उन्हें नहीं मालूम है कि आखिर क्या करना चाहिए। लेकिन आप जान रहे हो, ये आपका कर्तव्य है, और आप वो हीरो बन के आओ। आप अपने गांव के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए आप वैश्विक स्तर पे एक हीरो बनिए इस बीमारी को सीमित करने के लिए। अगर नहीं सीमित हुई तो बहुत ही बुरी है। ऐसे सिचुएशन में मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे अभी भी परेशान है, मैं ये पढ़ लूं, मैं वो पढ़ लूं, मैं क्या कर लूं। देखिए मैं बहुत साफ बोल रहा हूं, कह रहा हूं कि अगर आप 4-5 दिन नहीं पढ़ोगे, आप किताब नहीं छुओगे, तो कुछ डिफरेंस नहीं होने जा रहा है, कोई भी फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। आप उसके बाद ज्यादा मेहनत करके 24 घंटा मेहनत कर सकते हो, 3 रातें लगातार जग सकते हो, आप वो सब कुछ कवर कर सकते हो। लेकिन अगर ये सिचुएशन हाथ से निकल गया, हम यहाँ पे केवल डॉक्टर्स का मुंह नहीं देख सकते, हम केवल सरकार का मुंह नहीं देख सकते कि वो हमारे लिए कुछ करे, ये आपका दायित्व है। अगर आप अभी देखिए जैसे लॉकडाउन की सिचुएशन है, मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे बाइक पे घूमने निकल गए हैं, यार आप क्या कर रहे हो? मेरे कोचिंग में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको फोटो देख रहा हूं, बुलेट पे वो दिखा रहे हैं कि मतलब घूमने गए हैं, ये क्या कर रहे हो आप लोग? जो आपके लिए पुलिस लगी है, जो आपके लिए सेना लगी है, जो आपके लिए और पब्लिक सेक्टर के लोग हैं, सेवा कर रहे हैं, अगर उन्हें आप अपने में ही उलझाए रहोगे तो वो बेचारे उन गरीबों की कैसे मदद कर पाएंगे जिन्हें ज्यादा खाने की जरूरत है, जिन्हें ज्यादा जागरूकता की जरूरत है। आप पुलिस के साथ रहके, सेना के साथ रहके, पब्लिक सेक्टर के उन सारे एम्प्लॉयज के साथ रहके अपने आपका रोल समझिए, और ये जागरूकता आप अपने स्तर पे फैलाइए, सबको रोकिए, जबरदस्ती रोकिए, विनती करिए, डांटिए, समझाइए, जो पॉसिबल तरीका हो सकता है वो करिए। आपके साथ साथ मैं इस वीडियो के माध्यम से उन एडुकेटर्स, उन यूट्यूब चैनल्स वालों का, उन कोचिंग इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर्स, टीचर्स, फैकल्टी से भी ये विनती कर रहा हूं कि आप लोग भी इस
चिंतनीय विषय को इस वैश्विक महामारी को अवसर की तरह मत देखिए। आप ब्रांड प्रमोशन बाद में कर लीजिएगा, आप अपने कोर्स बाद में बेच लीजिएगा, बहुत मौका है। समाज रहेगा, देश रहेगा, विश्व रहेगा, तो सारे मौके आएंगे। यहाँ पे आपसे लाखों लोग जुड़े हैं, करोड़ों बच्चे जुड़े हैं जो आपको फॉलो कर रहे हैं, जो आपको भगवान मान रहे हैं। आप उन बच्चों को समझाइए ताकि उन बच्चों के माध्यम से हम घर घर को समझा पाए। अब मैं ये तो नहीं कर सकता कि मैं हर गांव में जाके, हर घर में जाके सबसे हाथ जोड़ूं और सबको मना करूं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। लॉकडाउन के सिचुएशन नहीं, अगर होता तो मेरा जितना हो सकता था मैं जाता भी, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब तक ये बात पहुंचा सकता हूं कि ये आपका कर्तव्य है, आप इसे मत भूलिए, आप इसे पहचानिए, आप हीरो बनिए अपने समाज के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपनों के लिए बनिए और साथ ही अपने के लिए हीरो बनिए। आप यहां पे अपनी ड्यूटी निभाइए। मैं फिर से हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूं और मैं चाहूंगा कि इस विनती को आप अपने अन्य साथियों के साथ भी पहुंचाएं। धन्यवाद।